हैदराबाद में डॉक्टर महिला की रेप के हत्या किए जाने के रोष स्वरूप पूरा देश गुस्से में है और विभिन्न प्रकार के प्रदर्शन कर दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। उसी कड़ी में करनाल सीएम सिटी में कांग्रेस पार्टी की महिला नेत्री सपना राणा ने नेतृत्व में बस स्टैंड के समीप कर्ण पार्क में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पूर्व चेयरमैन सरदार त्रिलोचन सिंह ने हवन यज्ञ में आहुति डालकर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार क्राइम को रोक नहीं पा रही है और देश में बेटियों की सुरक्षा नहीं हो रही है, जिसके कारण डॉक्टर की हत्या और रेप के बाद भी लगातार बिहार व अन्य राज्यों में महिलाओं के साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो बेहद ही निंदनीय हैं। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार को कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए। इस अवसर पर कांग्रेस के अन्य पदाधिकारी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। यहां हम आपको बता दें कि हैदराबाद में महिला डॉक्टर की स्कूटी में पंचर होने पर 4 लोगों द्वारा महिला डॉक्टर के साथ रेप किया गया, उसके बाद उसकी हत्या करके जलाने का एक घिनौना अपराध किया गया, जिसके बाद पूरे देश में निर्भया कांड की तरह इस कांड की भी कड़ी निंदा की जा रही है और सरकार से ऐसे घिनौने अपराधों को रोकने के लिए कड़े से कड़े कानून बनाने की बात कही जा रही है। सीएम सिटी में हुई श्रद्धांजलि सभा में शहर के गणमान्य व्यक्तियों के अलावा बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे। हमारे बीच अब नहीं रही, उनको उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रभु चरणों में उनको स्थान मिले, उनको श्रद्धांजलि दी है। वह हवन यज्ञ का आयोजन किया है। देखिए, आप जैसे पता ही है, देश को शर्मसार कर दिया है इस घटना ने। तो आने वाले जो यूथ है, मैं उनसे इस मीडिया के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ ये अनुरोध करूंगी कि अपनी मानसिकता को बदलिए। जिस प्रकार लड़कियों के ऊपर रोक लगाई जाती है घर से देर समय से बाहर रहने के लिए, तो ठीक माँ बाप को आज ये चाहिए कि अपने लड़कों पर भी उसी प्रकार से कंट्रोल कीजिए, क्योंकि आने वाला जो समय है वो देश के लिए बड़ा ही घातक साबित हो जाएगा अगर यही हाल रहा। आज कार्यक्रम में ये किया सपना राणा जी ने, यहाँ उनकी जो प्रियंका रेड्डी जी है उनकी आत्मा की शांति के लिए है। हम भी भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, उस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे, पीछे रह के परिवार को इस दुख की घड़ी को शांत करने की शक्ति दे। और एक यह है, जैसे महिलाओं पर यह अत्याचार हो रहा है, जैसे ये कानून बना हुआ है फांसी, तो इनको फांसी देनी चाहिए। मैं इस मौजूदा सरकार पे दोष नहीं रखना चाहता, क्योंकि कानून देश आजाद होने के बाद का बना है। कानून में बहुत ज्यादा सख्ती की जरूरत है, क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि 56 इंच का जो सीना है उसको कब इस्तेमाल करोगे? जब हमारी देश की बेटियां घर से निकलना बंद कर देंगी, जब हमारी देश की बेटियां बचपन से मार दी जाएंगी, तब कानून लागू होगा, सख्ती लागू होगी, या आज जरूरत है। उसके तेलंगाना के बाद कल हरियाणा में भी और यूपी में भी बिहार में भी ये कांड हुए हैं। इसका मतलब कि लोगों की स्थिति में सुधार नहीं हो रहा। हमारे को सख्त से सख्त कानून बनाना होगा और आगे बढ़कर समाज के हमारे प्राणी हैं, जिन्होंने ये कांड किया वो भी सामाजिक प्राणी हैं, वो हम ही हैं, हमारे में से ही हैं। किसी का भतीजा हो सकता है, किसी का भाई हो सकता है, किसी का रिश्तेदार हो सकता है। हमारा सारे सामाजिक, सारे भारत के लोगों की ड्यूटी बनती है कि आगे बढ़कर ऐसी परिस्थितियों पे लड़ाई लड़े और सामने आकर अंकुश लगाने की कोशिश करें। और जो हमारी सरकार है, कानून निर्भया कांड के बाद कानून बना, उस कानून को और सख्ती से लागू करने की। आज क्या किया गया? आज करनाल में क्या किया? आज उनकी आत्मिक शांति के लिए मैं सपना राणा, जो हमारी महिला कांग्रेस से है, उसने हवन किया है। हवन के माध्यम से हम उसकी आत्मिक शांति के लिए हमने अरदास की है, बेनती की है और हम प्रण भी लेते हैं। ऐसी स्थिति में हम हमेशा समाज के बीच में, समाज के साथ रहेंगे। दोबारा ना हो इससे हम प्रयास करते रहेंगे कि ऐसा काम दोबारा ना हो। हम सरकार से निवेदन करेंगे सख्त से सख्त कानून बनाए और सख्त से सख्त सजा दे, ताकि लोगों को जो भय खत्म होता जा रहा है, भय जरूर होना चाहिए। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden, world class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।